हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ वर्षा और आप देख रहे हैं लाइफ मंत्रा वाई वर्षा। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ में मीशो हॉल शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें कि मैंने कुछ कुर्तियाँ ली हैं, वही मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये सभी कुर्तियाँ कैसी निकली हैं, अच्छी हैं, बेकार हैं, जैसी भी हैं, वो सारी बातें मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। और हाँ, मीशो है एक रीसेलिंग ऐप जहाँ से कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बिना कोई पैसा खर्च किए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए सारी चीज़ों को मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। तो देखिए, फर्स्ट मैंने ली है ये रेड कलर की ब्यूटीफुल सी कुर्ती। बहुत ही प्यारी है, इतनी प्यारी है कि मैं आपको क्या बताऊँ, आप खुद ही देख लीजिए। और उससे भी प्यारा है इसका गला, देखिए कितना प्यारा है। पहनने के बाद में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा इसका ये गला है। इस पे ना पूरी कुर्ती पे इस तरह से प्रिंट हो रहा है और आगे ये गला बनाया हुआ है। नीचे जो घेरा है उसमें इस तरह से गोटा पट्टी वाली ये लेस लगाई हुई है। दोनों ही साइड में आपको ये लेस मिल जाती है, आगे की तरफ एंड पीछे की तरफ। और नीचे की तरफ इसमें इस तरह से थोड़ा सा ये बॉर्डर बनाया हुआ है इसी वाली लेस से। तो ये बॉर्डर भी आपको दोनों साइड में मिल जाता है। सेम बॉर्डर आपको अपनी इसकी आस्तीन पे मिलता है, बाजू पे। तो ये भी दोनों साइड में मिलता है। पीछे की साइड में ये प्लेन है, बस इस पर ये प्रिंट हो रहा है। और आगे की साइड में ये प्यारा सा गला बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा लगता है। इसका जो कपड़ा है वो है कॉटन फैब्रिक और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पहनने के बाद में बहुत ही प्यारा लुक आता है। पूरे हॉल की सबसे प्यारी कुर्ती मुझे यही लगी। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। घेरा भी काफ़ी ज़्यादा है इसमें, आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद है मेरी ये सेकंड ब्लैक कलर की कुर्ती, तो ये भी बहुत प्यारी है। उसका भी गला बहुत प्यारा है और इसका भी गला बहुत प्यारा है। उसका फ्रंट का गला बहुत अच्छा है, इसका बैक का आप वीडियो में देख पाएंगे। तो ये देखिए, ये है कुछ इस तरह की, इस पे आगे गले पे इस तरह से कढ़ाई हो रही है, आप वीडियो में देख सकते हैं। और थोड़ी सी कढ़ाई जो है वो इसकी स्लिप पे दी हुई है। आगे की साइड से एक स्लिप प्लेन है स्लिप, और दूसरी साइड में जहाँ पे वो दूसरी स्लिप प्लेन है वहाँ पे इसमें ये कढ़ाई दी हुई है। आप पहनने के बाद में अच्छे से समझ पाएंगे, मैं आपको दिखा दूँगी। और नीचे की साइडों में साइडों पे ये दोनों साइड में इस तरह से कढ़ाई दी हुई है, नीचे बिल्कुल प्लेन है, बाकी पूरी कुर्ती प्लेन है। बस सबसे प्यारा है इसका पीछे वाला गला। वैसे तो कुर्ती पूरी ही प्यारी है, पर इस गले की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है पहनने के बाद में। तो मुझे इस जब मैंने इस कुर्ती को देखा था ना, तो मुझे ना ये गले की वजह से बहुत प्यारी लगी थी। तो गले की वजह से ही मैंने स्पेशली इसको लिया है, तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। वैसे पूरी कुर्ती प्लेन है, बस गले पर ये कढ़ाई दी हुई है। और इसका जो कपड़ा है वो है रेयन, काफ़ी सॉफ्ट वाला है, बहुत ही अच्छा है, एकदम सॉफ्ट सा है। और इसका जो कलर है ना वो ब्लैक कलर है। ब्लैक कलर ज़्यादातर क्या होता है ना, फेड आता है, लेकिन इसके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम डार्क ब्लैक है, ये फेड नहीं है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। और काफ़ी कम प्राइस में ये मेरे को मिली है। इतने कम प्राइस में मार्केट में मुझे नहीं लगता इस तरह की कुर्ती मिलेगी। उसके बाद थर्ड है ये एक और कुर्ती, सॉरी कुर्ती नहीं है, ये काफ्तान है। तो ये है इस तरह का ब्लू कलर का, और इस पे ये जिगजैग वाला प्रिंट बना हुआ है वाइट कलर में, वाइट में नहीं, वाइट नहीं है ये, थोड़ा सा ऑफ वाइट टाइप का है, मतलब स्किन कलर भी नहीं कह सकते, वाइट भी नहीं कह सकते, कुछ इस तरह का है, ऑफ वाइट का है। ऑफ वाइट कलर से ये जिगजैग वाला प्रिंट बना हुआ है, और इसमें ये डोरी दी हुई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वैसे ही पूरा ये प्लेन है, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। आप इसको लेगिंग्स पे, जींस पे कैसे भी पहनिए, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है, ठीक है। तो इसके बाद मैंने ली है एक प्लास्टिक सीट, जो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये है वो प्लास्टिक सीट, तो ये ना उनके लिए सही है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, टॉयलेट वगैरह कर जाते हैं या पानी वगैरह फैला देते हैं, तो उनके लिए एकदम बेस्ट है।
पूरे बेड पे ही अच्छे से आ जाती है। बस इसके ऊपर आप बेडशीट डाल दीजिए। और ये ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, इसे पहले मैंने दो ली हुई थी तो उनका फैब्रिक था ना, ये मतलब जो सीट प्लास्टिक सीट थी काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी, लेकिन ये ऐसी नहीं है, ये काफ़ी सॉफ्ट है तो वो जल्दी फट गई थी। इसमें मुझे लगता है कि ये थोड़े लंबे टाइम चल जाएगी और देखते हैं आगे क्या होता है। तो पूरे बेड पर ये अच्छे से आ गई है, बस इसके ऊपर बेड शीट डाल देनी है। तो जब भी आपका बच्चा पानी वगैरह फैला दे या टॉयलेट वगैरह कर दे तो वो नीचे गद्दों तक नहीं जाएगी, आपके गद्दे ख़राब नहीं होंगे, बस बेड शीट चेंज कर दीजिए और एकदम सूखा सूखा हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद मैंने अपनी बिटिया के लिए भी कुछ कपड़े लिए हैं, ये मैंने फर्स्ट क्राई से लिए हैं, तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, शायद आपको पसंद आए और आप इनमें से कुछ लेना चाहो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये हैं बेबी गर्ल्स के कपड़े, 4 to 5 ईयर्स की मेरी बेटी है, सॉरी है तो वो अभी 3 साल की कंप्लीट हुई है, लेकिन उसके कपड़े जो हैं वो 4 से 5 साल के आते हैं। तो ये मैंने एक जीन्स ली हुई है, बिल्कुल प्लेन है, बस इस पर एक लेग पर मैजिकल दिखा हुआ है, बाकी बिल्कुल प्लेन है। ऊपर की साइड में इलास्टिक दी है और नीचे की साइड में। कपड़ा इसका बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छी है। उसके बाद में मैंने एक ये डेनिम स्कर्ट ली हुई है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप वीडियो में देख सकते हैं। इसका भी कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट भी नहीं कहेंगे, ये हार्ड भी नहीं है, सॉफ्ट भी मतलब काफ़ी अच्छा सा है, थोड़ा मोटा फैब्रिक जो होता है ना इस तरह का फैब्रिक है। लेकिन इसमें ना एक दिक्कत है, इसका जो कलर था ना वहाँ पे वो थोड़ा डार्क था और ये मुझे थोड़ी लाइट कलर में मिली है, बाकी सब सही है। उसके बाद मैंने एक ये टी शर्ट ली हुई है, ये है रेड कलर की, हाई नेक टाइप की ये टी शर्ट है, तो काफ़ी प्यारी लगती है ये इस तरह की जीन्स एंड स्कर्ट के साथ में, तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। इसमें और भी कलर थे वहाँ पे, येलो था, लाइट पिंक था, डार्क पिंक था, मैंने ये रेड कलर में ली है क्योंकि मुझे रेड कलर की काफ़ी अच्छी लग रही थी। इसमें बस नीचे ये पीको हो रही है, कुछ इस तरह से हो रही है कि इसमें हल्की सी डिजाइन जैसी आ रही है, बाकी पूरी प्लेन है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो बस यही थे, और हाँ जितने भी ये प्रोडक्ट हैं सारे बेबी हक के हैं। वॉइस रिकॉर्ड मैंने इसलिए की है क्योंकि यहीं पे मेरी बेटी सो रही है, अगर मैं थोड़ा भी तेज़ बोलूँगी तो ये जग जाएगी, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं होता है मेरे पास, ये सोती है तभी टाइम होता है, तो ज़्यादा अगर मैं तेज़ बोलूँगी तो ये जग जाएगी, इसलिए मैंने काफ़ी धीरे बोला है और बाद में वॉइस रिकॉर्ड कर दिए, तो प्लीज़ सॉरी। तो मैं आपको बोली थी कि मैंने जो भी ये कपड़े लिए हैं अपनी बेटी के लिए सारे ही बेबी हक के हैं, और 4 to 5 ईयर गर्ल्स के ये कपड़े हैं। बेबी हक के कपड़े काफ़ी अच्छे निकलते हैं, मैं पिछले 3 साल से इनको यूज कर रही हूँ। अगर आपको इनमें से कुछ भी पसंद आया है तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और काफ़ी सही प्राइस में ये मिल जाते हैं। तो फिर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करना है लाइक एंड चैनल को करना है सब्सक्राइब, साथ में दिए गए बेल बटन को क्लिक करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सारे प्रोडक्ट के लिंक एंड कोड आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।